मालिक जगत चलते रक्षक सर्व साझी मालता दे गुरु सतगुरु श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी का 551वां प्रकाश गुरपुरब मनाने वास्ते श्री अकाल तख्त साहब जी तो नगर कीर्तन की प्रारंभ हुई है, जो बाजार वख वख बाजारा विचों हुंदा आया शाम नूं श्री अकाल तख्त साहब जी विखे संपूर्ण होगा। सतगुरु गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने आप तौर विच आ के सर्ब नूं सांझी मालता का उपदेश बख्शिश किया अते बेअंत ही लुकाई दे उत्ते बारे उपकार किए, जेड़े डाका आदि साधकों संगत बनाना किया। और सतगुरु पातशाह जी ने ऐसे जड़े जादूगर सन और जड़े चोर आदक सन उन्होंने अपने नाल मिला करके उन्होंने सिखी की दात दे के नाम दियां दातां दे करके उन्होंने गुरसिख बढ़ा करके सिखी दे प्रचारक बनाया। ऐसे सतगुरों के बहुत वड्डे परोपकार दुनिया के उत्ते होए। तो अज सतगुरु जी का 551वां प्रकाश गुरपुरब बड़ी भावना के सहित श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री दरबार साहब वालों श्री गुरु सिख सभा वालों समुचिया सिख संगत जथेबंदियों के सहयोग न बड़ी भावना सहित मनाया जा रहा है। समुचे ही संसार भर के लोगों
गुरु नानक देव जी के 551वें प्रकाश गुरपुरब से सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी वालों बहुत बहुत बधाइयां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह। मेरा नाम गणेश प्रताप सिंह है और मैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ। सर, आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है, पांच जी क्या मनाते हैं, आप उसके बारे में क्या कहते हैं? पहले तो मैं सभी समस्त देशवासियों को गुरु नानक प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ सभी को। और मैं यहाँ आज इस शुभ अवसर पर यहाँ पर मत्था टेकने बाबा जी के द्वार आया था। और यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कितनी अच्छी रौनक है प्रकाश पर्व के लिए, और कितनी अच्छी सारी सब सजावट और सारा बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे तो पूरे समस्त देश में इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हर समाज का हर उसका लोग व्यक्ति इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाते हैं, और मैं सभी को इसकी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप अंदर देखिए, बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्थाएं, सुंदर झांकियां और बहुत अच्छी सारी सजावट की गई है यहाँ गोल्डन टेम्पल में। आप इस बार पहली बार आए हो कि आप पहले भी? नहीं, मैं थर्ड टाइम आया हूँ यहाँ पर। तो आपको यहाँ पे आसपास की सजावटें देखे, जो नगर कीर्तन देखे, क्या समझे? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। मैं परिवार के साथ आया था और बहुत अच्छा लगा सब कुछ देख के। गुरु जी की फतेह। आज अपना नाम जी? मेरा नाम वरिंदर सिंह है जी। कितने हैं सर? अंबरसर साहब तो ये लोकल ही है जी। अच्छा सर, आज जरा प्रकाश पूर्व गुरु नानक जी का 551वां की कहना चाहते गुरु नानक साहब जी का प्रकाश पूर्व है जी, वो संबंध में जरा नगर कीर्तन निकल रहा, तो सारी साध संगत सब तो पहला लख लख बधाई हो। गुरु नानक साहब ने अवतार धारिया, तो दुनिया का भला करने वास्ते दुनिया से आए, सच का उपदेश दिता। महाराज ने दसा नौ की किरत बख्शी है सारे संसार में, तो सानू उन्होंने उपदेश से चलना चाहिए वै। तो उन्होंने जी सिक्ख्यावान ने वो मनिया चाहिए ने, नाम जपना, वंड छकना, किरत करनी, धर्म की किरत करनी, चंगे काम करने चाहिए है। तो यही है जी। बहुत वधिया जी, सब बहुत चढ़ती कला चा, संगत बहुत आनंद लै रही है, टूरिस्ट बड़ा आ रहे हैं, तो आप मीडिया पत्रकार वीर भी बहुत सेवा कर रहे हो, तो बाकी सब जानते ही है जो चल रहा है। गुरु नानक साहब ने बिल्कुल सही, वीर जी तुम सही सवाल किया, गुरु नानक साहब ने जरा ना इस चीज़ तो सू शुरू तो वर्जिया। महाराज ने कहा मानस की जात सभ्य एक पहचान हो, उन्होंने इस चीज़ तो उपर उठना सू संदेश दिता है। तो जी अज फिर अं हिंदू सिख इन्हें चक्करा बसे हैं। महाराज ने कहा ना मैं हिंदू, ना हम हिंदू, ना हिंदू हाँ, ना हिंदू तो ना मैं मुसलमान हाँ। सब तो पहला चंगा बंदा वै जरा चंगे काम करता वै, चंगा बंदा बने चंगा, ना कि अं कोई हिंदू बनना या मुसलमान बनना, चंगे काम करने चाहिए है। तो पहला वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। सो अज जरा नगर कीर्तन लंघन दिया है, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब से निकलिया जान दिया। हुण तुसीं वेखण दे गतके खाड़े जिहड़े आ जोर विखाउंदे अपने, सो तुसीं इधर विखा सकदे जे जिवें खेडदे पए आ। ते अज इह जिहड़ा गुरपुरब आ पाकिस्तान वी मनाया जांदा वा। मैं आही मैसेज देना चाहूँगा कि जिन्हें मेरे वीर भरा वेखण दे आ, सो सिख सजो मेरे वीर भरा, दुमाले बनो, गुरु वाले बणीए अहीं। सो वाहिगुरू खालसा, वाहिगुरू जी, वाहिगुरू खालसा, वाहिगुरू फतेह। गुरु नानक देव जी दा जन्मदिन आ, वो संबंध में नगर कीर्तन निकल रहा, जो कारतक तो चल के कारतक जी आ गए इतने समाप्त होना। इतने आ के आनंद मिलता, सिमरन की दात मिलती है, सब कुछ संगत को यह मैसेज भी इतने उत्ते होर कोई स्थान नहीं। वाहे खालसा, वाहे फतेह। हाँ जी, ये नगर कीर्तन अज निकलिया, बड़ी धूमधाम नाल निकलिया जी। असं भी अज नतमस्तक होने वास्ते गुरुद्वारा साहब आए हैं, बड़ी रौनक लगी, गुरु दी बहुत रौनक ने,
गुरु महाराज की बहुत चढ़ती कला हुई है। पुत्र नाम दान बख्शो। संगतों को मैसेज यह कि हम आके पहुँचो, गुरु गुरु घर के दर्शन करो, तो संगतों नाल जुड़ के गुरु घर दे खुशियां प्राप्त करो। बहुत चढ़ती कला हुई जी, गुरु रामदास जी की कृपा हुई है।